दुश्मनी, साजिश, षड्यंत्र, धोखा, गद्दारी, बदला, विश्वासघात, हत्या, हादसा। इब्राहिम रईसी की मौत की मिस्ट्री क्या? आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी खादिम रज़ा अलैहि सलाम। क्यों गिरा रईसी का हेलीकॉप्टर? कैसे हुई रईसी की मौत? जलने से, चोट लगने से या वजह कुछ और रही? रईसी की मौत की गुत्थी सुलझाने में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट जुटे हैं, लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि रईसी की मौत सिर्फ हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से हुई या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इस वक्त दुनिया भर में कई थ्योरी चल रही है और हर थ्योरी के पीछे कारण गिनाए जा रहे हैं। हम उन पांच बड़ी थ्योरी को दिखाने जा रहे हैं जिसमें रईसी की मौत की वजह का ए टू जेड जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले वो पांच सवाल जो साजिश और शंका की गुंजाइश पैदा करते हैं। पहला सवाल, बेल 212 हेलीकॉप्टर से सफर क्यों? दूसरा, लंबी फ्लाइट के लिए MI-17 से क्यों नहीं गए? तीसरा सवाल, ईरान के खिलाफ दुश्मन ने बड़ी साजिश रची? चौथा सवाल, खराब मौसम की जानकारी थी फिर क्यों टेक ऑफ? और पांचवा सवाल, लेकिन सबसे बड़ा, कि कहीं इंटरनेशनल या फिर इंटरनल साजिश के शिकार तो नहीं हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी? इन सवालों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर पूरी दुनिया के सामने नया और एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस संकट की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उन थ्योरी को देखते हैं जो रईसी की रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाएगी। साजिश की थ्योरी नंबर एक। एक बेहद सामान्य लेकिन बहुत मजबूत सवाल उठ रहा है कि मौसम खराब था, कोहरा था, धुंध थी, लेकिन फिर भी रईसी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ क्यों हुआ? इसे एनिमेशन के जरिए समझते हैं। रईसी के काफिले में 1, 2, 3 हेलीकॉप्टर थे। मौसम तीनों के लिए समान था, लेकिन दो हेलीकॉप्टर सामान्य लैंडिंग करने में सफल रहे और रईसी वाला हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। सवाल है, कैसे? क्या पायलट से कोई गलती हुई या हेलीकॉप्टर में ऐसा कोई डिवाइस फिट किया गया था जिसकी वजह से क्रैश हुआ? इस सवाल की तह तक जाने के लिए अजरबैजान से ईरान के रिश्ते को समझना होगा, जहां से रईसी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। अजरबैजान ईरान की तरह ही शिया बहुल देश है, लेकिन अजरबैजान के रिश्ते ईरान से ज्यादा इसराइल से मजबूत रहे हैं। इसके पीछे की वजह है आर्मेनिया से अजरबैजान की दुश्मनी, जिसकी वजह है सीमा विवाद। इस मुद्दे पर इसराइल अजरबैजान का साथ देता रहा है, जबकि ईरान सीमा परिवर्तन का समर्थन नहीं करता, और यही सामने आती है साजिश की थ्योरी नंबर दो। अजरबैजान से रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। हेलीकॉप्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेल कंडीशन में था, यानी किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत या परेशानी हेलीकॉप्टर में नहीं थी, तो फिर क्रैश कैसे हो गया? रईसी की मौत का EMP कनेक्शन। EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन से निकली तरंगों का इस्तेमाल करता है। ये एक सुपर शक्तिशाली माइक्रोवेव सिस्टम का उपयोग करता है।
ईएमपी से निकली ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ड्रोन में वोल्टेज वृद्धि का कारण बनती है। इससे पहले कि ड्रोन या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने तापमान को नियंत्रित कर सके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन उसे बेकार बना देता है। तो क्या अजरबैजान में रईसी के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के पहले उसमें ईएमपी फिट किया गया या ईएमपी के जरिए हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया? ईरान की बढ़ती ताकत पश्चिम देशों से लेकर अमेरिका और इसराइल तक के लिए परेशानी का कारण रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस को ईरान के ड्रोन सप्लाई की वजह, परमाणु शक्ति का संवर्धन वो कारण है जिसकी वजह से नेटो ताकतें बहुत तनाव में रही हैं। लिहाजा ये भी शंका पैदा हो रही है कि कहीं रईसी की मौत का कारण पश्चिमी देशों में रची गई कोई साजिश तो नहीं है। साजिश की थ्योरी नंबर 3, मध्य पूर्व में ईरान बड़ी शक्ति है और इब्राहिम रईसी इस शक्ति का केंद्र थे। एक ऐसा नेता जिसका अमेरिका घनघोर विरोधी रहा है। रईसी पर अमेरिका प्रतिबंध भी लगा चुका था। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण टेंशन में भी रहता था क्योंकि मुल्क की तरक्की में ये प्रतिबंध बहुत बड़ी बाधा है। रईसी के नहीं होने पर अमेरिका या पश्चिमी ताकतें मिडिल ईस्ट में खुलकर खेल सकती हैं। 2020 में ईरान के लोगों के लिए हीरो माने जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी और यही वजह है कि ये शंका जताई जा रही है कि कहीं रईसी की मौत के पीछे पश्चिमी ताकतें तो नहीं है। अमेरिका ने रईसी की मौत की वजह किसी तरह की साजिश होने से शुरुआती तौर पर इनकार किया है, लेकिन फुल प्रूफ इनकार अब भी बाकी है। जाहिर है शक की बड़ी गुंजाइश अब भी शेष है। साजिश की थ्योरी नंबर 4, ये रईसी थे जिन्होंने हमास का खुलकर समर्थन किया। ये रईसी थे जिन्होंने यमन के हूथी विद्रोहियों को समर्थन दिया। ये रईसी थे जिन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन किया और ये तीनों मिलकर इसराइल को जख्म देते रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि रईसी के अंत में कहीं इसराइल का हाथ तो नहीं। यह तथ्य है कि हमास को ईरान से समर्थन मिलना बंद हो जाए तो गाजा से लेकर रफा तक इसराइल कब्जा कर ले, और यही वजह है कि रईसी की मौत का इसराइल से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस साजिश को मजबूती देने के लिए कहा जा रहा है कि अजरबैजान में जब रईसी मौजूद थे उसी वक्त इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनके हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ की। इसराइल अक्सर अपने दुश्मनों को विदेशी जमीन पर मारने की साजिश रचता है। मोसाद ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अजरबैजान में मोसाद ही एक्टिव नहीं है बल्कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि फिर क्या हुआ था रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ? कैसे क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर जिसमें रईसी की मौत हुई? साजिश की थ्योरी नंबर 5, एक शंका यह भी जताई जा रही है कि रईसी की मौत की वजह इंटरनेशनल नहीं इंटरनल षड्यंत्र हो सकता है।